हम बात करते हैं सम इफ फॉर्मूले की। जी हाँ, सम इफ फॉर्मूला, सम विद कंडीशंस। क्योंकि अगर आप यहाँ अगर सम का फॉर्मूला लगा के अगर पूरा क्वांटिटी को सम करते हैं तो ये आपको ओवरऑल सम आता है, लेकिन मुझे पता करना है कि इसमें से पूजा का टोटल कितना है। जी हाँ, पूजा का टोटल कितना है, या फिर मैं जानना चाहता हूँ कि देव का टोटल कितना है। तो सम विद कंडीशन, कि मुझे ओवरऑल सम नहीं चाहिए, मुझे अपने डेटा में से किसी पर्टिकुलर पार्ट का ही सम चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम सम इफ का। जी हाँ, सम विद कंडीशन इट मीन सम इफ का फॉर्मूला। टैब प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। रेंज मतलब कि पूजा किस में मैच करना है, तो हमने सी को सिलेक्ट किया कि मुझे सी कॉलम में पूजा को मैच करना है। देन क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया। देन हमारा सम रेंज, हमने सम रेंज को सिलेक्ट किया। एंटर प्रेस किया, ये आपके सामने टोटल आ गया। अब इसमें आगे बात करते हैं कि एक बार और लगा के बताते हैं, इक्वल सम इफ, हमने रेंज को सिलेक्ट किया, हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट किया अपना क्वांटिटी। तो ये सम इफ का फॉर्मूला हुआ। बट सम इफ के फॉर्मूले में अगर मुझे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर लगाना हो, जैसे मुझे क्वांटिटी सम करनी है लेकिन ग्रेटर देन 50, जो ग्रेटर देन 50 वाले वो सम हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ का। सम इफ, हमने यहाँ पे ट्राई इसको क्लिक किया और हमने कॉमा किया, क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया। अब यहाँ सम रेंज देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सम रेंज जो हमारा है वही हमारा क्राइटेरिया रेंज है, तो सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही है। एंटर प्रेस किए तो यहाँ पे जीरो आया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्राइटेरिया रेंज में नेम को ले लिया है। तो यहाँ उठा के मैं इसको क्वांटिटी कर देता हूँ, तो क्वांटिटी आ गया। इसी तरह से आप ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं। इसमें अब ये भी है कि मुझे तीन डिजिट वाले को सम करना है, तो यहाँ आप सम इफ का इस्तेमाल करें और सम इफ का इस्तेमाल से आप नेम को सिलेक्ट करें और यहाँ हमने तीन क्वेश्चन मार्क को सिलेक्ट कर लिया। तो तीन क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ है कि तीन एनी करेक्टर, एनी लेटर, कि तीन लेटर के जितने भी नाम होंगे सबको कर देगा। फिर एंटर प्रेस करें, आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारी सम इफ की फॉर्मूला थी।